मंडे तक फ्री होता है, मंडे को हम बाकी वाले करते हैं। चलो मॉडल्स क्या क्या होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओके, विल, वुड, शैल, शुड और टू, ये 10 हमारे प्योर मॉडल्स हैं। नीड, केयर, यूज्ड, ये हमारे सेमी मॉडल्स हैं। और अब हम आज ये देख रहे हैं, ओनली दिस वन। आपके पास जो मैंने डिक्शनरी वाले शीट्स भेजे हैं वो है कैनपुर में, कैनपुर में आपके पास आ गया, शायद माइट भी नहीं आया ना, कैनपुर में आ गया। माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड और फिर ऑट टू, है ना, ये वाला बच रहा है। ये आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, कल कॉपी कर लेना, मंडे को हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी बेसिक देखो, ये तो हम करेंगे जो आपने लिखा है घर पे, मोस्ट बेसिक। अगर हम कैन कहते हैं तो कैन हम किस सेंस में यूज करते हैं, अलग अलग सेंस तो हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं। मोटा मोटा क्षमता, एबिलिटी, आई कैन स्पीक गुजराती, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये जो एबिलिटी है उसके लिए मेनली फर्स्ट यूज कैन का ही होता है। जहां एबिलिटी होता है वहां फर्स्ट यूज कैन का ही होगा। पास्ट एबिलिटी दिखाने, तुम नाचती हो क्या, डू यू डांस, नहीं आजकल नहीं नाचती, जब मैं छोटी थी तो तब मेरे को नाचना आता था, तब मैं नाच सकती थी, आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंग, नाउ आई कांट, अब मैं नहीं कर सकता, है ना। शेली का वेस्ट विंड नाम का पोएम है ना, उन्होंने सबने सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है वेस्ट विंड, उस पोएम में शेली कहते हैं जब मैं छोटा था ना, किशोर अवस्था में था ना, तो मैं हवा की तरह तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन लाइक द विंड, आई कुड रन लाइक द विंड, मतलब आज मैं वो नहीं कर सकता, आज वो क्षमता मेरे अंदर नहीं है। तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड यूज करते हैं, साथ ही साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करते हैं। अब इस चीज में पोलाइट रिक्वेस्ट में इनफॉर्मली कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, सब चलता है। वैसे तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आप कुड यू, वुड यू दोनों चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आरपीएससी दोनों नहीं देगी, बट फिर भी क्योंकि हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो इसलिए समझो कि कुड यू और वुड यू में फर्क क्या है, कुड यू और वुड यू में डिफरेंस क्या है। मुझे अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि नाश्ता कुछ ले, तो मैं इन लोगों में से किसी से कहती हूँ वुड यू मेक समथिंग फॉर मी, मुझे पता है तुम बना सकते हो, एबिलिटी तो है तुम्हारे अंदर बनाने की, पर मर्जी है क्या, एबिलिटी तो है, मुझे पता है सारी लड़कियों को खाना बनाना आता है, मैं मैंने अगर नाश्ते में कुछ मांग लिया तो इजीली बना सकते, एबिलिटी तो है, क्षमता तो है बनाने की, पर मर्जी है क्या, बनाना चाहोगे क्या, वुड यू मेक समथिंग फॉर मी, ओके, वुड यू, आई नो यू कैन, सो आई एम नॉट आस्किंग यू कुड यू मेक समथिंग फॉर मी, आई एम आस्किंग यू वुड यू मेक समथिंग फॉर मी, ठीक है। अब एक लड़की क्लास छोड़ के जाती है, सेकंड ग्रेड की लड़कियां निकलती है, एक लड़की का वो स्कूटी अटक जाता है, वो कितनी बीमार पड़ती है। अब मैं किसी लड़के से पूछती हूँ, उससे मैं पूछूंगी वुड यू हेल्प हर, मुझे पता है तुम लगा सकते हो, देख जाओगे, करना चाहोगे, वुड यू, और अगर कोई काम मुझे किसी लड़की से लगवाना होता तो मैं पूछूंगी वुड यू, कर सकोगी क्या, है ना, क्योंकि वो इतना भारी है, वुड यू, लड़कों से तो पूछो कि वुड यू, आर यू गेटिंग द डिफरेंस, जहां एबिलिटी अश्योर्ड है जनरली, वो एक अलग बात है कि आजकल तो नाश्ता तुम लोग भी बनाते हो, तुम लोग भी बनाते हो, आजकल एवरीवन डज एवरीथिंग इज वन थिंग,
बट इसका फाइन डिफरेंस ये है कि जहां आप श्योर हो कि ये काम सामने वाला कर सकता है और मैं उससे सिर्फ थोड़ा सा एक हेल्प ले रही हूँ कि तुम कर दोगे क्या, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू क्लोज द डोर, मतलब तुम उठ के कर दोगे क्या, मुझे पता है तुम सब उठकर कर सकते हो, वुड यू, है ना, एंड कुड यू वुड यू, दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है और दोनों आरपीएससी एक ही साथ नहीं देगी, रेस्ट अश्योर्ड, परंतु फाइनल डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि जहां हम श्योर है एबिलिटी के बारे में पर मर्जी के बारे में डाउटफुल है, वहां हम जनरली वुड यू लगाएं, और कुड यू जो है वहां एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट जहां हम एबिलिटी को लेके बहुत श्योर नहीं है वहां यूज करते हैं, बट इंटरचेंजेबली कुड यू वुड यू विल यू कैन यू सब यूज होता है, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वो या तो गुड देंगे आपको या फिर वो आपको गुड ही देंगे, है ना, ये तो गुड के बारे में आप दो बातें याद रखो, एक तो पास्ट एबिलिटी, अतीत में कोई काम जो हम कर सकते थे हम किया करते थे तब हम कर सकते थे आज हम नहीं कर पा रहे, और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, तीसरा मे, देखो मे और कैन, कैन भी परमिशन में यूज हो जाता है, कैन का फर्स्ट यूज है एबिलिटी, बट कैन और मे दोनों परमिशन में यूज हो जाता है, सुनो हम बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सामने वाले के पास अखबार है, हम उससे पूछते हैं कैन आई बोरो योर न्यूज़पेपर, कैन आई बोरो योर न्यूज़पेपर, इनफॉर्मल इनफॉर्मल, कैन आई बोरो योर न्यूज़पेपर, कैन आई यूज योर चार्जर प्लीज, कैन आई प्लग इन माय चार्जर प्लीज, तुम्हारी सीट के ऊपर है वो कोर्ड बोल तुम्हें वहाँ लगा दीजिए, है ना, ये इनफॉर्मल है सफर वफर के वक्त के उसमें, आप अपने बॉस से या आप अपने सुपीरियर से पूछते हो वही चीज में आई, तो फॉर्मल में तो वही परमिशन लेना और देना में हो जाता है, इनफॉर्मल में वही चीज ज्ञान हो जाता है, बट फिर भी ब्रॉडली आप अगर दोनों में चॉइस है तो फिर फॉर्मल सिचुएशंस में आप मे यूज करोगे और इनफॉर्मल में आप कैन को चला दोगे, है ना, मे बी यूज योर फोन प्लीज, हमारी गाड़ी अटक गई, मेरा फोन तो बैटरी नहीं है, जाने किसके घर के सामने खड़े हैं हम घंटी बजा के पूछते हैं आप फोन यूज कर लेते हैं, आपको किसी बुलाना है इनको, मेरा फोन बंद हो गया, है ना, तो अब हम जानते ही नहीं, तो बिल्कुल ही अजनबी है, तो हम एक फॉर्मल तरीके से उससे पूछा मे आई यूज योर फोन प्लीज, वो एक फॉर्मल सेटिंग है, और आप आपस में एक दूसरे से कहते हो कहना है वो इनफॉर्मल है, परमिशन लेना एंड देना दोनों में कैन भी यूज होता है बट प्रिफर्ड में होता है, क्योंकि कैन का फर्स्ट मीनिंग सपना है, कैन का फर्स्ट मीनिंग सपना है, तो अभी जैसे कई बार जितेंद्र जी आ जाते हैं कैन आई कम इन, तो वो तो इनफॉर्मल है, उनको भी जरूरी काम है इसलिए क्लास में आ रहे हैं, तो उनको वो मे आई बोलने की जरूरत नहीं, कैन आई कम इन, आ जाओ मुझे मतलब बात करनी है, कैन आई कम इन, है ना, ये इनफॉर्मल परमिशन कैन है, फॉर्मल परमिशन मे है, हम सेंटेंसेस देखेंगे आज मे के तो आपको वो सारा समझ में आ जाएगा, तो मे, दूसरा पॉसिबिलिटी, पता नहीं कि मे कम कि मे कम, इनमें रेन टुडे आज बहुत सारे काले बादल छाए हुए हैं, इन मे रेन, काले बादल छाए हुए हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, इसलिए आप कहते हो इन मे रेन, जब हम ऐसा मौसम देखते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं अरे रेनकोट ले जाओ, छाता ले जाओ, आज बारिश होने की संभावना है,
क्योंकि तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा है कि बादल छाए हुए हैं, अंधेरा सा छाया हुआ है, बारिश होने की संभावना है, इसलिए आप कह रहे हो अगले को एक इम्पेरेंट, एक एन अम्ब्रेला, वो दे दो, मुझे दे दो, टेक एन अम्ब्रेला, इट मे रेन, टेक एन अम्ब्रेला, इट मे रेन, माइट और सॉरी मे का एक और है विशेस एंड ब्लेसिंग्स, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू एंजॉय, मे यू बी हैप्पी, मे यू स्टे ब्लेस्ड, वॉट एवर विशेस एंड ब्लेसिंग्स, वो हमारे मे हैं. माइट है हमारा, सॉरी मस्ट है, नहीं ये हो गया, फिर माइट ही है, कम संभावना, कम संभावना. अगर इस मौसम में, अगर इस मौसम में हमको थोड़ा सा ऐसा मौसम अजीब सा दिखता है तो हम ये नहीं कहेंगे मेरे, हम कहेंगे माइट रेन, क्योंकि सीजन के हिसाब से देयर इज नो पॉसिबिलिटी, पर फिर भी क्या पता हो जाए कि माइट रेन. आज फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है और तुम जाना चाह रहे हो, यू माइट गेट टिकट्स. अब 15 दिन हो गए पिक्चर को चलते चलते, फिर भी हाउसफुली चलते हैं पिक्चर, यू मे गेट, क्योंकि अब तक तो काफी लोग देख चुके हैं फिल्म को, यू मे गेट टिकट्स, बट फर्स्ट डे फर्स्ट शो यू माइट गेट टिकट्स. संभावना कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी संभावना कम होना, ठीक है. तो उसके यहाँ तो शादी की तैयारियाँ करती हैं, शी माइट रेस्पॉन्ड टू योर कॉल, संभावना कम है, कहाँ फोन कौन चुनेंगे वो, शी माइट रेस्पॉन्ड. अब तक तो शादी की तैयारियाँ पूरी पूरी हो चुकी है, अब तक फ्री हो चुकी होगी, शी मे रेस्पॉन्ड टू योर कॉल, कैन यू सी द डिफरेंस. जहाँ पर संभावना कम है वहाँ माइट, और जहाँ पर संभावना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर मे लगा है. अभी जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मे तक माइंड वाइट मैंने अभी दिया नहीं. फिर है आपका मस्ट, ऑब्लिगेशन, बाध्यता. आपके क्वेश्चन पेपर, बी ए एम ए के क्वेश्चन पेपर का पहला लाइन यही होता था, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मस्ट आंसर, है ना. तो ये मस्ट जो है ऑब्लिगेशन या बाध्यता, आप पर एक तरह का कंपल्शन है, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमॉरो, तुम्हें खत्म करना होगा, तो ये बाध्यता. अब इसमें एक और सेंस मस्ट का तुम लोग, जिसको कि मैं एक्चुअली हिंदी में प्रॉपरली समझा नहीं सकती, आप कॉपी में मैं जो समझा रही उसको समझो एंड उसको अकॉर्डिंगली लिखो, पहले पे अटेंशन. मैंने एक बुक पढ़ी जो बहुत शानदार है, या मैंने कोई पिक्चर देखी जो बहुत ही बढ़िया है. अब मैं तुमसे कहती हूँ यू मस्ट वॉच दिस, मैं बाध्यता नहीं कह रही, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ. कैंडिडेट्स मस्ट आंसर 5 क्वेश्चन वाला मस्ट नहीं है, ये है कि तुमको देखना ही चाहिए. वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रेकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग सिफारिश मस्ट होता है, उसको कॉपी में लिख दो. कश्मीरी फाइल्स इज, कश्मीरी फाइल्स इज अ वंडरफुल फिल्म, यू मस्ट वॉच इट, इसमें स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है, इसमें बाध्यता नहीं है, यू मस्ट वॉच इट. कश्मीरी फाइल तो देखो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यानी हम बहुत जोरों शोरों से सिफारिश कर रहे हैं किसी चीज की. वो बहुत अच्छा गाता है, तुम्हें एक बार उसका गाना सुनना ही चाहिए. ताकि जमीनी क्लियर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, पहले तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जोरों शोरों से सिफारिश करना किसी के पक्ष में,
चाहे वो किताब हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कुछ और हो, स्ट्रॉन्ग सिफारिश करना। एग्जाम्पल, कश्मीरी फाइल्स इज अ वंडरफुल फिल्म, कश्मीरी फाइल्स इज अ वंडरफुल फिल्म, यू मस्ट वॉच इट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग सजेशन है ये कि नहीं देखो इसे को, इसमें स्ट्रॉन्ग सजेशन। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? चलो after class today. Okay, on Monday there are two girls from Sofia. They are very worried कि हम कैसे manage करेंगे. I'll talk to you. So clear है? So you must see strong suggestion. अब अपन कहते हैं कि वो बहुत अच्छा गाता है, उसका गाना तुम्हें एक बार तो सुनना चाहिए. You must listen to his singing. You must watch this film. अरे इतनी मजेदार कॉमेडी है, you must watch it. वो सीरियल नहीं देखते, you must watch it. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये सब स्ट्रॉन्ग सजेशन है, बाध्यता नहीं है. पर भाई मस्ट और फर्स्ट फॉर्म है, मस्ट और फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये मस्ट. ऑब्लिगेशन तो समझ में आई क्या, बाध्यता. अगला है मस्ट बी, मस्ट कुछ हो रहा होगा इस वक्त, कुछ हो रहा होगा, कुछ चल रहा होगा, मस्ट बी, मस्ट बी. अब कैसे, तुम फोन मिलाए जा रहे हो, अगला है कि फोन उठाई नहीं रहा या उठाई नहीं रही, तो तुम फिर कहते हो यानी वो ना गाड़ी चला रहा होगा इसलिए नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा हो. ही मस्ट बी ड्राइविंग, ही मस्ट बी ड्राइविंग, या ही मस्ट बी स्लीपिंग, घर पहुंच गया होगा, खाना वाना खाके सो रहा होगा. ही मस्ट बी स्लीपिंग इसलिए वो उठा नहीं रहा. इसको लिख लो, मस्ट बी में देखो कुछ चल रहा होगा. An ongoing situation, an ongoing situation, an ongoing situation. An ongoing situation. एक चालू स्थिति. तो वो सो रहा होगा, वो नहा रहा होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा. He must be bathing. He must be sleeping. He must be driving. ing. एक तो है ना. अब एक और स्थिति must be की समझो. जब मैं पिछली बार उससे मिली थी कई सालों पहले, तभी वो लगभग 80 साल का था. अब तक तो वो बुढ़ा गया होगा. Must be dead by now. He must. अब इसमें ing नहीं आ रहा, state आ रहा है, dead state में. He must be और adjective dead. He must be driving, must be sleeping, must be bathing. वो एक अलग चीज है ing. मृत अवस्था में. He must be dead. है ना? तो इस तरीके की मैं दुकान पे फोन मिलाए जा रही हूँ, रात के 8:30 बज के दुकान मिला रही हूँ, नंबर कोई उठाई नहीं रहा. द शॉप मस्ट बी क्लोज्ड, बंद हो चुका होगा. मस्ट बी क्लोज्ड, समझ में आ रहा है? ये स्थिति है, सिचुएशन है. ही मस्ट बी ड्राइविंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग. एक और एग्जांपल, ही वाज नियरली 80 व्हेन आई मेट हिम, मेनी इयर्स अगो, ही मस्ट बी dead by now. Shop वाला भी example देख लो. Nobody is answering. Nobody is answering. The shop, comma, the shop must be closed.
दुकान बंद हो गई होगी। और आज के लिए लास्ट है मस्ट हैव, नोबडी इज आंसरिंग द फोन, द शॉप मस्ट बी क्लोज्ड, द शॉप मस्ट बी क्लोज्ड। और आज के लिए लास्ट है मस्ट हैव, देखो कोई काम हो चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा। अब क्लास छूट जाती है सेकेंड ग्रेड, सब लोग चले जाते हैं, सेकेंड ग्रेड वाले बच्चे, किसी के पेरेंट आते हैं, अरे हमारी लड़की गली में पहुंची, तो आपने क्लास छोड़ दी, कब छोड़ी आपने? तो उसको अपन कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कि अरे आधा घंटा हो गया, उसको यहाँ से निकले थे, अब तक तो गली पहुंच चुकी होगी, she must have reached by now, sense clear हो गया? चलो अब तो वो नोट्स निकालो जो अपने गैंग को, ठीक है, इसको इसको बंद कर दें। कौन सा अष्टमी के बाद जो आयन को कब आएगा और कब आएगा? ये मस्ट बी जो काम चल रहा होगा अभी वो आई एन जी है, वो मस्ट बी डेड, मस्ट बी क्लोज्ड। मस्ट हैव तो एक ऐसा एक्शन है, देखो लिसन, जो पूछ रहा है उस चीज को समझो, ये पूछ रहा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें आई एन जी आएगा या हम इसमें वो अवस्था वाली चीज डालेंगे। तो तुम एक बात समझो, अगर हमारा सेंस ये है सेंटेंस का कि वो फोन नहीं उठा रहा, वो सो रहा होगा, तो हम क्या बनाएंगे? He must be sleeping, है ना? और या he must be driving, ये होगा। और अगर हम ये बनाना चाहेंगे कि कुछ कोई स्थिति ऐसी हो गई होगी, जैसे दुकान खुली स्थिति से बंद स्थिति में आ जाती है, चेंज ऑफ सिचुएशन, जिंदा से मृत हो जाता है, हाँ? तो ही मस्ट बी देयर, द शॉप मस्ट बी क्लोज, स्थिति बदलना, चालू रहने के सेंस में तो हम आई एन जी लगाएंगे, है ना? और जो मस्ट हैव है उसमें कोई एक्शन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें पता है, लिसन मस्ट हैव, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें पता है, उसका एंडिंग पॉइंट तुम्हें नहीं पता। जैसे द फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड बाय नाउ, तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि तुमने उसको ओवन में चढ़ाया या तुमने माइक्रोवेव में डाला या तुमने उसको गैस पे रखा, स्टार्टिंग पॉइंट पर अब तक तो हो ही चुका होगा, अब तक पक चुका होगा, वो काम हो चुका होगा, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इज इट क्लियर? चलो इसको बंद कर दो, फिर हम अगली रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स का देख लेते हैं। आज से हम सिटिंग एग्जाम्पल